आपका ब्लॉग पसंद आया तो अच्छा मेरे बाथरूम अच्छा बाथरूम अच्छा आपके भाईजान आके बाथरूम देख के इतना खुश हो गए फाइनली ये आपके मदीना बाजी का बाथरूम देखे आपके भाईजान को मैंने बोला ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो मैंने बोला घर में आके आपकी बाजी का चेहरा नहीं देख के खुश हुआ मैं बाथरूम देख के खुश हुआ अल्लाह तेरा है एहसान रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान तो यहाँ देखे गुड मॉर्निंग हो गई है वैसे गुड मॉर्निंग तो सही में हो जाती है लेकिन एक बार वापस हो गई है मतलब बोलूँ तो डबल गुड मॉर्निंग आपके भाईजान जो है वो कपड़े धो रहे कपड़े हालांकि ना यार कल भी मतलब धोए थे लेकिन कपड़े अभी क्या बाथरूम के चक्कर में ना कपड़े ज़्यादा हो गए देखो ये तो मैं क्या ना थोड़ा थोड़ा देखते हैं ना आप लोग मैं हाथ से भी धो लेती हूँ बाथरूम रहता है तो वॉशरूम रहेगा तो अभी हाथ से नहीं धुल रहे सिर्फ मशीन में धुल रहे तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए तो मॉर्निंग हो चुकी है मतलब मैं बोली तो मॉर्निंग हो चुकी है और जो मिस्त्री है वो आ गए हैं बाथरूम बनाने के लिए तो अभी देखें आज बनता है कि नहीं बनता है आज क्या होता है अच्छा काम शुरू हो गया है और यहाँ देखें आपके भाईजान खड़े हैं टाइल्स भी आ गई है अंदर टाइल्स लग रही है बस एडजस्ट चालू कर दिए धूल निकलेगी अभी पूरी धूल हो गई है घर के अंदर टाइल्स की क्या कर रहे हैं यहाँ से अच्छा कपड़े भी धुलना है ना तो वायर यहाँ पे लगा रहे कनेक्शन यहाँ ले रहे अभी फिर घर सफाई करना पड़ेगा भाई यार गैलरी में पूरी रहती हुई थी सब कलाएं सीमेंट वगैरह पूरी गैलरी में अब धूल कितनी हो गई आप खुद देखें घर में पूरा धूल 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 हो गया धूल देखे कितनी हो गई है सारा कुछ धूल मिट्टी हो गया है पूरा साफ करना पड़ेगा काम देती कि कपड़े बड़े घड़ी कर ले जाना तो कर दिया है कपड़े ऑलमोस्ट घड़ी झाड़ू मारा क्या मैं झाड़ू नहीं दिख रही है झाड़ू मार के ले बेटा क्या वह सर्दी हो गई ना ये धूल से एलर्जी होती ना टाइल्स वगैरह कट रहे ना एलर्जी होती है टाइल्स कट रहे ना अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे आप लोग खैरियत रहेंगे बढ़िया होंगे मजे में होंगे और आपकी दुआ मुझको लगे मेरी दुआ आपको लगे और आपकी दुआ मुझको ज़्यादा लगे हाँ। मैं इस बार कहूँगा मेरी दुआ आपको ज़्यादा लगे आप अपनी मदीना बाजी को याद करते हैं क्या नहीं करते नहीं करते नहीं करते तुम्हारे को याद कर फयाज भाई जन को याद कर मदीना बाजी को मत भुला करें और थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि घर घर का आपको सिर्फ गरीब का ही दिखा रहे यही प्रॉब्लम दिखा रहे वो दिखा रहे क्या करेंगे प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही तो हाँ तो जरा रमजान शरीफ चले जाए तो उसके बाद आपको जरा बाहर का भी दिखाएंगे और हर चीज़ जो भी शॉपिंग करेंगे वो भी दिखाऊंगा मैं शॉपिंग बाकी है ईद की शॉपिंग बाकी है शॉपिंग बाकी जैसा होगा वैसे शॉपिंग करवा के दूंगा हाँ अब ये खत्म हो जाए ना आज जो कहानी है आज की जरा खत्म हो जाए तो कल से पानी यूज कर सकते हैं लोग बाहर का भी ट्रू मैं जरूर कराऊंगा लेके आपकी मदीना बाजी को अच्छा कहाँ जाना है अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना कहाँ लेके जाए आपके भाईजान मुझे दूसरी बार सौदा वौदा लाने का ये सब भी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा हाँ बाजार का नहीं नहीं आप लोग बोले आपके भाईजान ना मार्केट का वीडियो नहीं लाके देते मुझे वो सब भी निकाला करूंगा खुद जाते बिंदास बोलने का सोचो नहीं बिंदास तो तुम बोलते बोलते मुझे एक साल हो गया चैनल बना के एक साल हो गया लेकिन आपके भाईजान को मैं कैमरा जब बाहर देती हूँ ना वो नहीं बोलते और जो मैं उनको बोलती हूँ कि ये बोलने आना चाहिए यार हम लोग ब्लॉगर लोग हैं तो जाहिर सी बात है ना रोड पे बोलने तो आना चाहिए शर्मा के क्या करेंगे अगर शर्माएंगे तो फिर जरूर इंशाल्लाह मैं कोशिश तो करूंगा एक साल से कोशिश कर रहे फजू एक साल हो गया चैनल बना के शर्म नहीं आता जोश मुझे देख के आता है जब मुझे मैं कैमरा ऑन करती तो आपके भाईजान को जोश आता है नहीं ले पाते सोचे मैं बैठ के इतना अच्छे से शूट ले लेती हूँ जितने भी शूट है बैठ के लेती हूँ मैं और ये लोगों को खड़े रह के इन लोगों को नहीं आता है और मैं बोल भी रही हूँ यार तुम लोग को खड़े रहने के लिए इतना एडवांटेज है कि खड़े लेके आप लोग एक से एक शॉट ले सकते हैं लेकिन लेते नहीं हैं और मैं बैठ के जितना हो सके मैं उतना बैठ के शॉट लेती हूँ आपके भाईजान भी वही बोलते हैं कि तुम बैठ के अच्छा ले लेते हो मैं खड़े रह के नहीं ले पाता चलो ठीक है इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह जरूर जरूर
मदीना के अंदर रहते रहते सब कुछ सीख जाओगे। और हमारी यूट्यूब फैमिली वो सबको आज का 14 रोजा, आज का 14 रोजा है, 14 रोजा है, मुबारक हो। चलो आपके भाजपा तो अभी गाड़ी में निकल रहे हैं, मेरे को बोले बाहर जोर की नमाज पढ़ूंगा और फिर वहाँ से वहाँ गाड़ी पे चले आऊँगा। आज जल्दी निकल रहे हैं इसलिए मैं बोला आज सलाम दुआ कर ले तो आपसे। हाँ तो रात में नहीं मिलते ना, सलाम दुआ कर ले, ये रात में मैं एंड कर देती हूँ क्योंकि ये आते हैं फिर तरावी भागते हैं ना, घर भी चलाना है और आपकी बाजी को भी चलाना है, चलाना है, मेरी शॉपिंग बाकी है, हम लोग की सबकी शॉपिंग बाकी है, जाओ 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 जल्दी जाओ कलेक्शन लेकर आओ। चलिए दुआ में याद रखे, चलो जा रहे तुम, जाके हमें देख ले तू क्या है करके, गाड़ी पे भी तो जाने का, कब तक बैठेंगे घर में। चलो मैं आता जाता। अच्छा मैंने यहाँ से गद्दा हटा दिया, धूल देगा धूल धूल। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे इतनी टाइल्स लगी हुई है बट ये जो बाकी है ना इससे तो बस यहाँ से ना पूरा ये मट्टी झड़ती, मैं जब भी गद्दा उठाती हूँ देखा तो मैंने भाई को बोला गया जरा ना इधर पर छोटी सी टाइल्स लगा दो, तो अभी देखेंगे ये लगा देंगे तो ये ना ये जो झड़ के नीचे गिरता है ना ये नहीं गिरेगा, ये अलग अलग है, धूल देखे कितनी आई धूल, ये देखिए कितनी निकली, ये जो है ना चूना चूना निकल गया। बस काम करते करते दोपहर के 3 बज गए थे और अभी तक काम नहीं हुआ था, एक्चुअली सुबह से चालू है काम, के भाईजान तो चले गए थे गाड़ी पे, बस मैं थी तो बस मैं साथी में थी बाहर के रूम में, शूट भी ले रही थी मैं और साथी में बैठी भी थी। हाँ वीडियो एडिट करना भी पड़ा था मेरा, जो कि नहीं हो सकता ना, वॉइस ओवर करना होता है तो इतने आवाज़ में थोड़ी ना वीडियो एडिट होगी, तो बस आवाज़ें भी बहुत आ रही थी, काम चल रहा था। और ये देखें ये जो बाहर के रूम का जो मैं हॉल में बैठती हूँ ना गद्दा बिछा के, बस वहाँ का हिस्सा है, जो यहाँ की टाइल्स, अभी आप सोच रहे होंगे ये टाइल्स क्यों नहीं लगी हुई, तो एक्चुअली यहाँ पे ना माला बना हुआ था ना, ये माला है तो सीढ़ी निकली हुई थी यहाँ से, मतलब नीचे के ये दोनों नीचे और ऊपर का पोर्शन जो था ना एक ही था, ओनर ही रहते थे खुद, तो बट फिर लोग को अलग अलग देना हो देना पड़ा तो फिर इसलिए ना इन लोग ने यहाँ पे सीढ़ी निकाले थे, बट उतना ऐसे इससे में टाइल्स नहीं लगी थी तो मैंने ओनर से बोल के वो भी लगवा ली। और थोड़ा सा ना यहाँ पे भी थोड़ी लादी में ना मुझे लग रहा था साइड में ना थोड़ा सी ऐसे लग रहा था आवाज़ आ रही है, तो मैंने उनको वो बोला तो उन्होंने ना साइड में सीमेंट वगैरह भर के ना उसको भी टाइट कर दिया, तो मतलब ऐसा छोटा छोटा जो काम था ना मैंने ओनर को बोल दिया था, तो उन्होंने बोले जो भी रहेगा अब करवा के ले लेना, तो बस मैं ही बैठ के करवा रही थी कि नहीं मैं करवा के ले लूँ सारा काम, अंदर चली जाऊँगी फिर कुछ रह जाएगा तो अच्छा नहीं ना, बैठना पड़ता यार ये सब कामों के लिए ना, साथ में रहना बहुत ज़रूरी है तो ही अच्छा काम होता है, तो बस आपके भाईजान तो नहीं थे तो मैं थी। ये देखो मैं बाहर आई हूँ और अभी ये पूरा काम बाकी है, अभी देखें ये पूरा सीमेंट, अभी ये देखें ये देखो मिट्टी और ये पूरी गैलरी अभी गंदी है क्योंकि अभी इन्होंने सीमेंट का जो काम है वो करके गए और आखिरी में इन्होंने डाले हैं यहाँ पर, मेरे को बोले यहाँ से पानी आ रहा है शायद नीचे, और यहाँ पे देखें यहाँ भी डाले हैं, हाँ कोने कोने में जो है ना वहाँ जगह सब जगह सीमेंट वगैरह डाल दिए, बोले अभी इसको एक दिन चेक करेंगे, कल बाथरूम रेडी हो चुका है। चले अंदर चले मैं आपको अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, ऐसे तो आप सुबह से ही देख रहे हो, मैं आपको जब से तो दिखा ही रही हूँ हर एक चीज़, मैंने क्लिप ऐड किया है, ये देखें अभी इतनी मट्टी हो गई है ना मैं अभी क्या बोलूँ, मेरा भी दिमाग है ना, ये देखें ये मेरा पोता देखें, ये इसके अंदर देखें मट्टी देखें, ये देखें देख रहे हैं आप लोग ये कितनी मट्टी हो गई मेरे बर्तनों में, मेरे सारे के सारे बर्तनों में मट्टी, ये देखें सुबह भी उनको बेगारी आए थे ना जो उनके लिए चाय बनाया था मैंने, क्योंकि एक जो थे ना वो रोज़ा नहीं थे, एक जो थे वो रोज़ा थे तो उनके लिए भी चाय बनाया, और ये देखें मेरे किचन का हाल इतना गंदा हो गया ना सीमेंट से, ये देखें पूरी सीमेंट सीमेंट मतलब पूरी धूल 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 बैठी हुई है, और यहाँ अंदर भी देखो यहाँ पूरी मट्टी 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 मट्टी, या अल्लाह अभी कचरा सब मैंने उठा के रखी, देखा जाए ना घर मेरा अभी पूरा गंदा हो गया ना घर, अभी देखो मेरे बर्तन जो है ना ये धुले हुए बर्तन है, लेकिन अभी इसके ऊपर सीमेंट वगैरह वो क्या बोलते हैं सीमेंट नहीं सॉरी धूल मट्टी पूरी भर गई है, ये देखिए पूरा पीछे तक के मट्टी है, मतलब ये बर्तन या अल्लाह मदीना ये क्या करेगी अभी तू, ये देखे मट्टी देखे धूल देखे, वो टाइल्स कटिंग की ना हम लोगों ने, ये देखें ये अल्लाह ये तो पूरे ही धोने पड़ेंगे मुझे अल्लाह, ये देखो 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 ये देखे ये देखे ये देखे ये देखे कितना गंदा बैठ गया देखे, ये देखे अरे अल्लाह ये देखे मतलब पूरे का पूरे बर्तन में ना सीमेंट, ये देखें ये देखें ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बर्तन में देखे अल्लाह अभी इतना साफ करना पड़ेगा नुमैर ये मट्टी देखिए देखिए धूल देखिए। अच्छा बाथरूम का मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, देखिए या अल्लाह
ये देखिए मैं आपको ना, ये है बाथरूम के साइड। अच्छा फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पूरे साफ सफाई करने के बाद में। धूल देखिए ज़रा कितनी धूल है, ये देखिए हालांकि दीवार तक भी आई है, देखिए ये देखिए दीवार तक भी धूल हो गई है। और देखिए मेरे शैम्पू का हाल देखें, ये देखिए माई के शैम्पू पे भी, अरे शैम्पू पे डब्बे पे सब जगह धूल दिख रही है आपको, मतलब अभी इतना धूल है कि अभी मेरे को साफ़ करते करते ना, अभी मेरे को लग रहा है पूरा ना इफ्तारी का टाइम हो जाए, पूरा इफ्तारी का टाइम होने वाला है ये साफ़ करते करते। मुझे तो चक्कर आ रही है सच में, बहुत रोज़ा लग रहा है अब तो मेरे को, अब तो मुझे लग रहा है सच में यार जाके सो जाऊँ मैं, लेकिन ये धूल में नींद भी नहीं आने वाली है। करेगा कौन, आपके भाजन तो गए गाड़ी पे, कॉल करके पूछ रहे बराबर मुझे कि क्या हुआ, कितना हुआ। देखिए 5:15 हो गए पूरे, ये करते करते 5:15 हो गए। अब मैं ना पूरा घर साफ़ करूँगी इंशाल्लाह, आपसे मैं इफ्तारी के बाद ही मिलूँगी। तो मुझे अभी ये 2 घंटा कम से कम लगेगा पोछा पाछी करने के लिए, सब कुछ पोछने का, सामान वामान सब उठा के रखने का, तो मुझे उसके लिए लगेगा 2 घंटा। तो मैं आपको मिलूंगी 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह, इफ्तारी के बाद ही मिलूंगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का ब्लॉग शुरू तो ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, बस आप लोग का इंट्रो मैंने अभी किया इफ्तारी के। एक्चुअली मैंने शूट नहीं किया कभी, पता है इफ्तारी से लेके मतलब रोज़े के भी शूट नहीं किया, हमने इफ्तारी भी खोला वो भी शूट नहीं किया। एक्चुअली वो इसीलिए क्योंकि जब मैंने पूरी घर की सफाई की, आपने देखा ना कितना गंदा हो गया था पूरा ना, कुछ मेरा 5:15 बजे आई थिंक वो लोग चले गए थे, और मैं जो पोछा पाछी मैंने शुरू किया ऑलमोस्ट ना 6:30 बज गए थे। और 6:30 बजे क्या वो पता है, मैंने जब पोछ लिया ना ज़मीन वगैरह से पोछ के, जब ठंडा ठंडा हो गया ना घर, मैंने फंका फास किया और मैंने गद्दा बिछाया और मैंने ऐसा लेटी, सच में यार मुझे नींद ही लग गई। और ऐसी नींद लगी ना 15-20-25 मिनट, मतलब रोज़ा खोलने का टाइम हो ही रहा था, तो नुमेर ने मुझे आवाज़ दिया कि मम्मा उठो ना रोज़ा नहीं खोलने का। तो मैंने अरे मैं सो गई और मेरी इफ्तारी, तो फिर मैंने देखी ना, तो नुमेर ने लेके आया था जाके, मेरे बच्चे ने कैटलिस वगैरह और थोड़ा कांदे का भजिया सब लेके आया, फिर हम लोग ने इफ्तारी खोले। और मैंने शूट भी नहीं की, मैं शूट करने जा रही थी, तो नुमेर बोले मम्मा रहने दो चलो आज थोड़ा रिलैक्स ही कर लो, आप बहुत थक गए हो ना। नींद ऐसी लगी ना मुझे थकान के मारे, या अल्लाह ऐसी नींद लग गई। फिर बाद में रोज़ा खोलने के बाद में फिर थोड़ा सा और लेट गई, फिर लीव मोबाइल हो जाता है यार हम लोग ना रोज़ वीडियो डाल डाल के ना, मतलब थकान बहुत बुरी तरीके से होती है, सच में बहुत थकान होती है। चले फिर खाना, सॉरी अभी इतना बहुत भंकस मार दिया मैंने। तो देखिए पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया ऑलमोस्ट, ये देखें ये पूरा मैंने क्लीन एकदम शाइन मार दिया मैंने एकदम ज़मीन को, मैंने ना अच्छे से मतलब ना फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से मैंने घस घस के अच्छे से धोया, पूरा धूल तो सब निकल गई। और यहाँ पे थोड़ा सा मैसी लग रहा है ना, यहाँ थोड़ा मैसी लग रहा है, ये जो मैंने लगा के लिया ना एक्स्ट्रा पार्ट, ये थोड़ा मैसी लग रहा है। तो इंशाल्लाह आपके भाईजन को मैंने बोला ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो उन्होंने बोला इंशाल्लाह ये भी कर देंगे और बाकी तो सब ठीक है। ये दीवार का मुझे कुछ ना पीछे से बैक का कुछ करना है, वो आपके भाईजन को मैंने आइडिया दिया है तो बोले कर दूंगा करके। वैसे भी मैं जो भी आइडिया देती वो करते, वो उनको ऐसा लगता है ना कि बस मेरी मदीना को बेस्ट लगना चाहिए। हाँ, और घर पूरा मैंने ऑलमोस्ट अच्छे से धो, मैंने सच में यार बाल्टी में पानी ले लेके मैंने अच्छे से धो लिया। और मेरी हालत तो इतनी बुरी हो गई थी, सीरियसली आज मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि बस वो धूल मट्टी में बैठ बैठ के ना ये बाल जो है ना पूरे अंदर पूरी मट्टी मट्टी घुस गई। कल तो मैं अपने बाथरूम में नहाऊंगी। तो चलो अभी बहुत बात नहीं करूंगी। फाइनली आपको मैं बाथरूम तो दिखा दूँ, बाथरूम नहीं देखेंगे क्या आप लोग? तो मेरा न्यू बाथरूम जो रेडी हो गया, मैंने बोला आपको फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूंगी, तो यार बाथरूम तो देखिए, चले मेरा बाथरूम देख ले और यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट तक कि मैंने कितना क्लीन किया। चले तो ये देखें अब हम जा रहे हैं बाथरूम की तरफ। और ये मेरे नुमेर ने देखे, मैं आपको दिखा रही थी ना, मेरे नुमेर ने मिर्ची अदरक ला के रखा है और मैंने चिकन मंगवाया था, वो मेरे बच्चे ने वो चिकन भी ला के रखा है। अभी तो खुलेगी कि नहीं खुलेगी पता नहीं, ये तो काटी मारी भी है। तो ये चिकन है और ये मिर्ची और ये देखे, ये जो मैंने देखो भरवा के लिया था ना, आपने देखा था ना ये थोड़ी सी यहाँ से क्रैक थी तो ये भी भर गई है। और ये मैंने अच्छे से पोछा किया, बहुत अच्छे से मैंने पोछा पाछी किया। चलिए मैं आपको ना बाथरूम में लेके चलती हूँ। चलिए जो है ना देखे, माँ ही ने खा के यहाँ फिर किए, ये बच्चे ना यहाँ रख देंगे। अच्छा बर्तन भी मेरे धुल गए, मैंने बर्तन भी धोया, मैं आपको किचन भी दिखा देती हूँ, पहले बाथरूम चले। अल्लाह मेरा बाथरूम तैयार हो गया फाइनली। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको पोछा करा लेकिन अभी फिर भी धूल आई क्योंकि अंदर अभी धूल है ना इसलिए। तो फाइनली ये आपके मदीना बाजी का बाथरूम देखे तैयार हो चुका है। तो ये देखिए बाथरूम हो गया है मेरा तैयार, मतलब इतनी जद्दोजहद हम लोग 5 दिन से किए, तो 5 दिन के बाद में बाथरूम हो गया तैयार। ये जो है ना ये खड्डा और ये खड्डा ये ना पहले से था, तो इसको भी मैंने जरा बोला भर दो ना भाई ज़रा सीमेंट वगैरह डाल के, तो उन्होंने ये भी भर दिया। और ये साइड में भी था ना बेसन का खड्डा, वो भी भर दिया। और यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है ना
भांडा लग गया, और पहले जो था ना ये वाला पाइप उधर पे था, तो वो मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे लिया। और ये देखिए, ये जो है ना नहाने के लिए, मतलब नहाने, और जो आपको तो पता है ना ये मेरा वॉशरूम है, एक्चुअली ये वॉशरूम है, और ये वॉशरूम है और वो बाथरूम है। तो हमारे वहाँ इंडिया में ऐसे ही होता है, इंडिया वालों को तो पता ही है, लेकिन जो इंडिया के आउट है उन लोगों को बताती कि भाई हम लोग के वहाँ इतने छोटे छोटे ही बाथरूम होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते। हाँ, कभी कभार हो जाते बड़े बड़े घर होते हैं तो। वैसे तो ये भी माशाल्लाह घर बड़ा है, बट ऐसे बनाते, ज़्यादा बाथरूम को जगह नहीं देते, घर को जगह देते। तो मुझे लगता है ये ठीक है, बेटर है। तो कैसा लग रहा है मेरा बाथरूम जरूर बताना, अच्छा लग रहा ना? तो चलो फाइनली तैयार हो गया, अब हम चलते हैं बाहर। अच्छा, मैं जो ये जो शूट ले रही हूँ ना, वो जो उस दिन सेल्फी स्टिक लाई थी ना, बस उसी से मैं शूट ले रही हूँ, जिसकी वजह से मोबाइल ज़्यादा हिल नहीं रहा है स्टैंड की वजह से। और मुझे भी ना हाथ में बहुत कंफर्टेबल है कि मैं घर में शूट घूम के ले सकती हूँ, क्योंकि हाथ में पकड़ के मोबाइल घर में राउंड मारना बहुत मुश्किल। आ गई किचन पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, इसमें धूल धूल बैठ गई थी, तो देखिए मैंने धूल धूल सब मैंने झाड़ झाड़ के किचन को भी अच्छे से धो दिया, बट ये थोड़ा सा भी डब्बे पे धूल है, देखिए डब्बे पे बहुत धूल है, रोटी के डब्बे में। और ये भी अभी मेरे को थोड़ा सा ना बर्तन मेरे पूरे धोने के एक्चुअली, और किचन तो मैंने धो लिया, चले ठीक है। अच्छा, मैं कप रखे हुए जो चाय पिए थे हम लोग ने इफ्तारी के बाद में, चाय पिए थे तो मैंने वहीं रख दिया, अभी उसको मैंने धोया नहीं, इतना बाकी है मेरा धोने का। और यहाँ पे देखें थोड़ी थोड़ी धूल है, अभी ये जो बर्तन है ना ये पूरे धूल है, हम लोग दोनों मिलके एक्चुअली वो निकालेंगे और मैं धोऊंगी, तो बस इतना काम हो गया। तो अभी चले अंदर, ये है मेरी जगह जहाँ पे मैं हमेशा मेरी वीडियो स्टार्ट भी करती हूँ और एंड भी करती हूँ, तो बस मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मेरे गद्दे पे थोड़ा सा मैसी दिख रहा है ना, ये मैसी इंशाल्लाह ये भी हम कुछ ना कुछ आइडिया कर देंगे, जो मुझे ज़रूरी था बनाना। फिर मैं आ गई अपने जगह पे, तो कैसा लगा मेरा बाथरूम, बाथरूम कैसे लगा मेरा? ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद हुआ बाथरूम तैयार यार। मतलब कल हम लोग करेंगे उद्घाटन बाथरूम का, तो मैं आपके भाईजान को बोलूँगी रिबिन लाओ और कटिंग करो, और बाथरूम का उद्घाटन कौन करेगा वो कर लो, कि यार 5 दिन हो गया यार, हम लोग 5 दिन से परेशान है, इसके घर में उसके घर में, यार हद है, किसके किसके घर में जाएंगे हम लोग। तो बस हो गया, और अभी आपके भाईजान आएंगे तो देखेंगे खाने के लिए क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो उन्होंने बोला कि पकाओ मत, मैंने अच्छा ठीक है, जब पकाओ नहीं बोले तो बाहर से कुछ ना कुछ तो आएगा, जाहिर सी बात है ना। तो चले, बहुत दिन हो गया वैसे भी बाहर का नहीं खाए, बाहर का खाएंगे। तो चले फिर, आपके भाईजान आते तो मिलते, जब तक के लिए बाय। तो यहाँ देखे आपके भाईजान क्या लेकर आए हैं, चले आपके भाईजान के पास। माही डांस कर रही, माही साफ नहीं उड़ जा बेटा, क्या लेकर आए देखेंगे। चले, तो हमारा दस्तरखान बीत चुका है, आपके भाईजान ने प्लेट निकाल चुके हैं, माही ने थैली मैं ने थैली निकाल लिया है, मैं कमेंट्री कर रही हूँ और कैमरा मेरे हाथ में, कुछ तो लाए हैं, क्या लाए हैं? अच्छा, माही ने अपने पापा को टोपी दे दी के चलो खाने के लिए बैठेंगे। नुमैर ने भी अपनी टोपी ले लिया है, बट बनिन पहना हुआ है, उसको बोली मैंने बनिन पे खाएगा तो बोलता आज बनिन पे खाऊंगा, उसको गर्म हो रहा है। यहाँ पे कटोरा निकल चुका है, माही अपना स्कार्फ पहन के आ चुकी है, खाने के लिए रेडी है, बट खाना क्या है वो तो देखे यार। अच्छा, क्या लेकर आई है फैज, व्हाट इज दिस? माई का एक्सप्रेशन कुछ तो अच्छा सा हुआ है, बट हो सकता है, समझ गया, एक्सप्रेशन अच्छा है, मतलब कुछ तो माई का फेवरेट है। क्या रिवर राइस लायो, जब तो इतनी स्माइल आई माई को, सूट देखी बच्चे ने, ओहो ट्रिपल राइस, अच्छा ये कुछ है, जो भी है ये कुछ है, ये कुछ है क्या? सीख पराठा, ओहो नुमेर का फेवरेट भी आ गया लो। अच्छा, माही का फेवरेट हो गया, नुमेर का फेवरेट हो गया, फज मेरा क्या जी, दोनों खा लिए, हमारा फेवरेट हो गया ना बच्चा। ओह मतलब पेट में गया, हमारे पेट में गया, बस जबरदस्त, बच्चे खुश हम खुश, हाँ बच्चे खुश हम खुश, बीवी खुश कहाँ से होना, फिर बीवी भी खुश बच्चे लोग को देख। तो ये हमारा दस्तरखान लग चुका है और हम लोग रात में आज खाने वाले हैं ट्रिपल राइस। क्या हो गया नुमेर, मच्छर? हाँ, खिड़की पीछे की खुले रखा था ना, इसके लिए मच्छर भी आ गए, देखा ना बेटा, इसलिए बोलती मम्मी। चलो मैं भी आई जाती हूँ अंदर यार। तो चले हम भी आ गए कैमरे में, हम क्यों दूर जाए, बड़े मजे ले रहे। हाँ क्या है, क्या हंसी है, अल्लाह फैज, हाय हाय, बच्चे बैठे बाजू में, पकड़ के देंगे मम्मी को, धरा धरा मम्मी चालू रहता, पप्पा का चालू रहता यार, इसी को तो बोलते है ना जिंदगी, इसी को बोलते यार, जितना टाइम है उतना खुश हो जाओ, है ना, जो जितनी वक्त मिल रहा है खुशी से जियो, है ना बच्चू, है ना, टेंशन तो पूरी जिंदगी पड़ा हुआ, क्या बोलते हैं, जिंदगी भर का लगा हुआ है, हाँ खाओ पियो ऐश करो, जितना जीना है जियो, अल्लाह को करो, हाँ ये बात, इसके अलावा क्या है, बस मुस्कुराहट देखो आपकी बाजी की, मुस्कुराहट देखो,
चेहरे से ज्यादा तो दांतों की चमकार, सफेदी की चमकार। अच्छा ये दांत की इसी के लिए स्माइल देके तो 17 साल से अटके हुए वन। चलो नुमेर को कितनी आई देखे ना, बिस्मिल्लाह बोल दिया है ना, शुरू कर दिया है। अच्छा नुमेर का जो है सीख पराठा है, उसको बहुत पसंद है सीख पराठा, बहुत पसंद है। और माई को जो है चाइनीज, माई को है सूप, इसको ट्रिपल राइस पसंद है, माई को ट्रिपल राइस। अच्छा मेरा फेवरेट क्या है यार, मेरा फेवरेट कमेंट करके बताना आपकी बाजी को क्या पसंद है। बाजी का फेवरेट क्या है बोले तो पचू। बस फज्जू और कुछ नहीं, है भाई है भाई, कुछ भी बोलते है भाई, नहीं बोलता सही बोलता हूं। है भाई कुछ भी बोलते सही बोलते हैं। तो चले भी बिस्मिल्लाह बोल लेते अभी आज। गलत नहीं बोलेगा साला। हाँ गलत नहीं बोलेगा साला। वैसे भी आज 4-5 दिन से ना हम लोग बाहर की इफ्तारी कर रहे हैं, है ना, मतलब बाहर की इफ्तारी मतलब बाहर से लाके कर रहे, मतलब कुछ भी बाहर से लेके आ रहे वो करे, घर में कुछ नहीं पकड़ा है ना बच्चू। मैं अभी देखती हूँ कल इंशाल्लाह कल बनाएंगे कुछ ना कुछ, है ना बच्चू, क्या बोलते हैं कल कुछ ना कुछ बनाएंगे। मैं 2-3 दिन से ना तीन से शायद बाहर से ला के खा रहे, तो इसलिए खाने के लिए चलो बिस्मिल्लाह बोले, आइए बिस्मिल्लाह बोलिए, चले बिस्मिल्लाह बोले। ट्रिपल राइस लाऊंगा, चले फिर वीडियो को एंड करके पहले खाना खा लेते हैं। वीडियो को एंड कर देंगे, ओके लंबा हो गया वीडियो, आपकी बाजी हो रही है, वीडियो को एंड करिए, हम खाना खाएंगे बोले। भूख लग रही है यार, अरे तो आज गाइस क्या मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। क्या नहीं मत बोलो, लंबी हो गई है। चले बच्चों वीडियो एंड करते, खाने के लिए। तो चले फिर आज का ब्लॉग पसंद आया तो अच्छा, मेरे बाथरूम बच्चों बाथरूम, अच्छा आपके भाई आके बाथरूम देख के इतना खुश हो गए, सीरियसली ये बात तो मैं ऐड करूंगी यार, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, पता नहीं क्या मिल गया यार, बाथरूम मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया, हमारा बाथरूम हमें मिल गया वापस से। मतलब चार दिन से बाहर ना आ रहे ना। अच्छा पहले दिन ना 15 रुपए लिया बंदे ने नहाने का, दूसरे दिन 20-20 रुपए लिया है ना। वो तो थोड़ी है ना, अब बाथरूम में नहा जाए बंदा, अगर गया भी है तो क्या बोलता बाथरूम वाला, पहले मांगू ना पानी, ज्यादा खर्चा नहीं करना बोले, ट्रक मंगाना पड़ता पानी का। 20 रुपए क्यों ले रहा, फिर नहाएंगे नहीं तो क्या, 20 रुपए बोले आधी बाल्टी यूज करना, अरे एक बाल्टी भी नहीं, एक आधी बाल्टी बोला ठीक है, तो अंदर जाएगा हम थोड़ी दरवाजा बंद करें थोड़ी, उसको पता है एक बाल्टी कितने बाल्टी आए, चीटर कितने बाल्टी ना आए, दो बाल्टी डेढ़ बाल्टी और वो छोड़ दिया था, जैसे घुसे लेके 5 मिनट आगे ठोकेगा भाई, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। अबे मैं दो बार बोला, अरे क्या भाई आधा घंटा कैसा हो गया, अभी तो 2 मिनट हुआ, अरे भाई 5 मिनट हुआ ना अभी। बोला मैं तो मेरे घर में भी आधा घंटा नहीं लाता, अपने घर की शौचालय में आधा घंटा नहीं लाते, बाहर के शौचालय में कहा, गम्मत है गाइस, शौचालय वाले की भी गम्मत है। तो चले अभी इंशाल्लाह कल कल, लेकिन रुको ना बच्चों, फाइनली लेकिन हम लोग का बाथरूम रेडी हो गया है ना। तो मेरे चले से तो पहले मेरे को पता होगा कि आपके बाजी ने बाथरूम का भी पूरा निकाल दिया मैंने वीडियो निकाल दिया, बाथरूम का वीडियो निकाल दिया मैंने। तो मैं चेहरे पे पहले मैं घर में आके आपकी बाजी का चेहरा नहीं देख के खुश हुआ, मैं बाथरूम देख के खुश हुआ। मालूम मुझे आए अंदर सीधे वहीं गए, बोले बाथरूम देखो हुआ क्या नहीं घर के, है ना, प्रैंक नहीं बाथरूम ही देख के खुश हुए, तो देखिए बाथरूम मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया। तो चलो फाइनली 5 दिन की सर्वाइवल हमारी खत्म हो गई आज, फाइनली कल हम करेंगे उद्घाटन, पता नहीं कौन करने वाला, मैं तो नॉट इंटरेस्टेड, सारी में जो पहले उठेगा वही करेगा जाहिर सी बात है, तो आपके भाईजान उमेर माही तो नहीं करेगी ये तो पक्का, क्योंकि सारी में ही नहीं उठती है, हम तीनों उठते हैं तो देखेंगे बाद में कौन करेगा। बाकी चले भी खाना ठंडा हो रहा है, तो चले आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर न्यू है पहली बार आए हो अरे वेलकम जी, चले काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, एज वेल एज शेयर जरूर कर दीजिए। तो चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे अपने। अच्छा घंटी बेल आइकॉन दबा देना सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपके नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ, जब तक दुआ में याद रखे अल्लाह हाफिज़।